हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। वी हैव टू बी स्टडीड लेसन नंबर 8। तो जिसके अंदर दिल्ली के अंदर जो डायनेस्टी रूल ओवर कर रही है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि पहले गुलाम डायनेस्टी यानी कि साल्ट डायनेस्टी मिडियवल पीरियड के दौरान दिल्ली के अंदर सबसे पहले साल्ट डायनेस्टी एंड आफ्टरवर्ड्स जो है जो आमिर उमराउस थे उन्होंने रजिया को रजिया जो है उनको पसंद नहीं थी और उसको डिसऑर्डर किया और उसके जो ब्रदर थे उसके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी जो है वो एस्टेब्लिश हुई। तो इस तरह जो है ये डायनेस्टी वो दिल्ली के ऊपर रूलिंग करती थी। खिलजी डायनेस्टी के बाद जो है तकलक डायनेस्टी जो खिलजी डायनेस्टी रूलिंग करती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो उनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि जो उनकी मैनेजमेंट था या एडमिनिस्ट्रेशन था जिसके अंदर डिसऑर्डर हो गया एंड दैट इज वाई जो है तकलक डायनेस्टी जो है वो रिप्लेस हुआ। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं तकलक डायनेस्टी। गियाउज़ुद्दीन तकलक फाउंडेड द तकलक डायनास्टी विद इन 4 years आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के 4 साल के बाद तुरंत ही गियाउज़ुद्दीन तकलक ने ये तकलक डायनास्टी जो है फाउंड किया। डाक चौकी द पोस्टल सर्विस वॉज स्टार्टेड इन दिस टाइम। ये समय के दौरान जो है पोस्ट सेवा जो है वो शुरू हुई थी। The letters were carried by the horse rider. जो horse rider थे उनके द्वारा letter जो है वो लिए जाते थे। Postmen were referred to as holkaro at that time. जो postmen थे वो उसको holkaro word से refer किया जाता। Refer to a Saurashtra in Rajdar to know more about a holkaro. Muhammad हल्का और मतलब जो जैसे पहले के समय में क्या थे कि ड्रम ये सब बजा के मैसेज पास किए जाते, तो वो लोग जो वीक साउंड के अंदर लाउडली स्पीक आउट करते थे तो वो किसी को बताते थे, ऐसा वर्ड जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। मोहम्मद तकलक बिकम द सुल्तान आफ्टर गियाउज़ुद्दीन। मोहम्मद तकलक जो है वो गियाउज़ुद्दीन के बाद ये जो है सुल्तान बने थे। मैनी ऑफ द डिसीजन दैट ही टूक वेयर क्रिटिसाइज। अमॉन्ग दिस द टू मेन प्लान्स वेयर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। जो कैपिटल उस समय के दौरान जो मेन प्लान्स भी थे उन लोगों के दिल्ली जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड इंट्रोड्यूसिंग द यूजर ऑफ कॉपर करेंसी। जो दौलताबाद उन लोगों की कैपिटल थी दिल्ली के अंदर जो प्लेस है दौलताबाद, तो वहाँ तक उनकी दिल्ली से दौलताबाद तक ये कैपिटल जो है उनका ट्रांसफर करना था, यानी कि इतना रीजन जो है वो बढ़ाना था, एक्सटेंड करना था। इसके अलावा यूज ऑफ कॉपर करेंसी को ये समय के दौरान यूज करने का इंट्रोड्यूसिंग करना था लोगों को। ड्यूरिंग मोहम्मद तकलक रीजन इबन बाटूटा एन अफ्रीकन ट्रैवल फ्रॉम तांजीर बिलोंगिंग टू द हब्जी ट्राइब विजिटेड इंडिया। मोहम्मद तकलक के समय के दौरान इबन बाटूटा एक अफ्रीकन ट्रैवलर थे। ही हैड बीन कम एंड हब्जी ट्राइब के बारे में उन्होंने स्टडी किया था और उस समय के दौरान वो इंडिया में आए थे। क्रिटिसाइजिंग द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन ही हैज रिटन द मोहम्मद शाह रूल वॉज एन एब्लिगेशन एंड ऑफ बोथ गुड एंड बैड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। जो फॉरेनर्स आते थे तो वो यहाँ के रिसर्च करते थे, तो सुल्तान्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने लिखा था कि उनकी जो गुड एम्लिकेशन जो अच्छी बातें थी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी ये, और जो बैड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी उसके बारे में उन्होंने जो है लिखा था। आफ्टर दैट
the Hindu kingdom of Vijayanagar. विजयनगर में हिंदू किंगडम हिंदू राज्य था. ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड देयर वेर अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया. अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक. जो साउथ इंडिया के ऊपर जो है सुल्तानेट पीरियड के समय के दौरान जो है अथॉरिटी यानी कि पावर पाने के लिए उन्होंने अटैक किए थे और जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने ये अटैक किया था. ही कैरिड अवे इनोमियस वेल्थ फ्रॉम देवगिरी, जहाँ से उन्होंने देवगिरी में से बहुत सारी वेल्थ जो है वो ले गए थे. सब्सिक्वेंटली मलिक काफूर डिस्ट्रॉय द किंगडम ऑफ वारंगल. आफ्टरवर्ड्स जो मलिक काफूर थे उन्होंने वारंगल का जो किंगडम था उसको डिस्ट्रॉय किया. द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तकलक. और जिसके वजह से मोहम्मद तकलक के समय के दौरान ये साउथ इंडिया की जो कंडीशन थी दैट शुड बी अ वेरी वर्स्ट. सिमिलरटेंसली द हिंदू एम्पायर ऑफ विजयनगर एंड द ब्राह्मी सुल्तानेट वेर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इन साउथ इंडिया. देयर सिमिलरली देयर आफ्टर उसके समय के द्वारा हिंदू एम्पायर जो है विजयनगर और ब्राह्मी सुल्तानेट में जो है साउथ इंडिया के ब्राह्मी सुल्तानेट पीरियड के रीजन के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश किए गए. आफ्टर द डिफेट ऑफ द रूलर ऑफ वारंगल द टू ब्रदर्स ऑफ द जादव क्लेन हरिहरा एंड बुक्का एस्टैब्लिश द विजयनगर किंगडम अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ स्वामी विद्यानारायण. तो तकलक के समय के दौरान वारंगल जो थी जिसकी सिचुएशन बहुत ही खराब थी तो वो डिफेट हो जाने के बाद वारंगल के जो रूलर थे उनको हराने के बाद दो ब्रदर्स जादव क्लैन हरिहरा और बुक्का उन्होंने विजयनगर किंगडम को जो है एस्टैब्लिश किया स्वामी विद्यारायण की इंस्पिरेशन से. द विजयनगर किंगडम वॉज एस्टैब्लिश इन द साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर इन 1336 सेंचुरी. जो विजयनगर किंगडम है वो साउथ में तुंगभद्रा रिवर के पास एस्टैब्लिश किया गया 1336 सेंचुरी में. विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 8 इयर्स द किंगडम वॉज एक्सटेंड फ्रॉम द रिवर तुंगभद्रा टू कन्याकुमारी. और उसके बाद तुंगभद्रा से लेके कन्याकुमारी तक ये जो राज्य है उसको बढ़ाया गया. बुक्का असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहरा. हरिहरा के डेथ के बाद बुक्का ने जो है ये राज्य संभाला. हिज डिसेंडेंट्स बीइंग वीक अ न्यू डायनास्टी कम टू पावर. उसका जो रूलिंग पावर था डिसेंडिंग थ्रोन था वो थोड़ा वीक था एंड दैट इज व्हाई नई डायनास्टी जो है वो पावर में आई. कृष्ण देवराय वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनास्टी. और कृष्ण देवराय जो थे वो ये डायनास्टी के रूलर थे. कृष्ण देवराय रूल Flourished in South India. He had a good relation with the Europeans and was a lover of art and literature. He constructed canal in South India with the help of an engineer called Yomek. Yomek नाम के जो engineer थे उनकी मदद से उन्होंने South India के अंदर canal भी construct किया. Foreign travelers who visited Vijayanagar have appreciated its grandeur. There were grand temples and forts in the kingdom. This glorious state was destroyed in the battle of Talikota. ये जो ये कृष्णा देवराया के समय के दौरान ये जो राज्य था साउथ इंडिया का जो रीजन था वो धीरे धीरे जो है वो डेवलप्ड होने लगा. बट आफ्टरवर्ड्स जो है तालिकला बैटल के बाद ये जो स्टेट है वो डिस्ट्रॉय हुआ. द ब्राह्मी सुल्तानेट उसके बाद ब्राह्मी सुल्तानेट द आमिर्स इन द डेक्कन रिबेल्ड. हसन वन ऑफ द एफिशियंट आमिर्स बिकम द सुल्तान एंड फाउंडेड द ब्राह्मी सुल्तानेट देयर. मोहम्मद गावन वॉज अ कैपेबल मिनिस्टर एंड एन एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ब्राह्मी सुल्तान. ब्राह्मी सुल्तान के जो रूलर थे वो मोहम्मद गावन थे. He won many territories and an efficient administrator of the Brahmi Sultanate. He won many territories and extend the boundaries of the Brahmi kingdom.
the power of Brahmi Sultanate weakened after his death. There were frequent conflicts between the Sultanate weakened between the Vijayanagar and Brahmi kingdom. जो विजयनगर और ब्राह्मी किंगडम थे जो किंगडम थे उनके बीच में जो है फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट यानी कि डिस्प्यूट जो है अराइज होते रहते थे. आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द ब्राह्मीन सुल्तानेट मैनी ऑफ हिज प्रोविजंस बिकम इंडिपेंडेंट. ब्राह्मी सुल्तानेट के डाउनफॉल के बाद उसके जो प्रोविजंस थे यानी कि जो प्रदेश थे वो स्वतंत्र हुए, धीरे धीरे आजाद हुए. अमॉन्ग दिस द फाइव प्रोविजंस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकंडा, बेरर एंड बीदर बिकम एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम्स. ये समय के दौरान जो ब्राह्मी सुल्तानेट थे उसके पांच अलग अलग प्रोविजंस जो थे वो आजाद अलग आजाद किंगडम बने. एंड ऑफ दिल्ली सुल्तानेट धीरे धीरे ये जो है डिस्प्यूट अराइज होते रहे. किसी एक का वीक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से दूसरी डायनेस्टी जो है वो पावर में आई, लेकिन धीरे धीरे ये जो डायनेस्टी है का जो रूलिंग है वो सुल्तानेट पीरियड जो है उसका एंड आया. तो कैसे हुआ? तो फिरोज शाह तकलक असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द मोहम्मद तकलक. मोहम्मद तकलक के जो रूलिंग के बाद फिरोज शाह तकलक जो थे उन्होंने राज्य संभाला था. हाउएवर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द दिल्ली सुल्तानेट बिगम टू वीकेन. वो वीक होने लगा. द रीजन ऑफ द तकलक डायनेस्टी आल्सो विटनेस्ड द इन्वेशन एंड प्लंडर ऑफ दिल्ली बाय तिमूर. जो तकलक रीजन थे, रीजन तकलक डायनेस्टी के जो रीजन थे वो ऑल्सो इन्वेशन एंड प्लंडर तिमेर, दिल्ली के जो तिमेर थे उनके द्वारा उनके विटनेस बने. उनकी प्लंडर यानी कि शोषण और इन्वेंशन जो पॉलिसी अप्लाई की जाती है अलग अलग तरीके की रूलिंग पॉलिसी, तो ये उसके विटनेस बने. द गवर्नर ऑफ लाहौर खिजरा खान टुक एडवांटेज ऑफ दिस कियोस एंड एस्टैब्लिश द सैयद डायनास्टी इन दिल्ली. जो गवर्नर थे लाहौर खिजरा खान, उन्होंने ये तकलक डायनेस्टी की जो वीकनेस थी उसके एडवांटेज लेके जो है सैयद डायनेस्टी एस्टैब्लिश की दिल्ली में. द अथॉरिटीज ऑफ दिस सुल्तानेट वॉज लिमिटेड टू द रीजन अराउंड दिल्ली इन 1451 सेंचुरी. एन अफगान लीडर बालहोल एस्टैब्लिश द रूल ऑफ द लोदी डायनेस्टी इन दिल्ली. और उसके बाद 1451 में बाहोल में ये लोदी डायनेस्टी जो है दिल्ली के अंदर एस्टैब्लिश्ड हुई. हिज सन सिकंदर लोदी असेंडेड द थ्रोन आफ्टर दिस. और लोदी डायनेस्टी में सिकंदर लोदी ने जो है थ्रोन संभाला. दो सिकंदर लोदी हैड द क्वालिटी ऑफ अ गुड रूलर, ही लैक रिलीजियस टॉलरेंस. अ स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बिगेन आफ्टर हिज डेथ in which Ibrahim Lodi defeated his elder brother and became the ruler. Ibrahim Lodi जो है उन्होंने उनके जो बड़े भाई थे सिकंदर लोदी उनको हराया और वो जो है दिल्ली के रूलर बने. The Amirs were not happy because of his arrogant attitude. जो Ibrahim Lodi थे उनका जो attitude था वो arrogant था और जिसके वजह से वहाँ के जो Amirs people थे वो जो कम्युनिटी थे आमिर्स कम्युनिटी वो उनसे हैप्पी नहीं थे. देयर वॉज रेबेलियन इन द किंगडम अगेंस्ट हिज रूल. और उसके वजह से ये किंगडम के अंदर ये जो राजा थे रूलिंग रूलर थे उनके अगेंस्ट में रिबेलियन स्टार्ट हुआ. बाबर द इम्पीरियर ऑफ काबुल इन्वेडेड दिल्ली एट दिस टाइम. ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 सेंचुरी. बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के बैटल के अंदर 1526 में हराया एंड फाउंडेड द मुगल एम्पायर विच लास्टेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स. और उन्होंने किसने
जो बाबर थे उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा के जो मुगल एम्पायर जो है वो फाउंड किया, और वो जो डायनास्टी थी मुगल एम्पायर वो सबसे लास्ट डायनास्टी दिल्ली में मिडिवल एज के दौरान रूलिंग करती थी, जो अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स तक रूल ओवर किया था। तो दिस वे दिल्ली के अंदर मिडिवल पीरियड के दौरान बहुत सारी डायनास्टी जो है शॉर्ट टर्म के लिए एस्टैब्लिश हुई, फाउंड हुई, उनकी वीकनेस और जो है लोगों के साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी जो पॉलिसी थी उनकी वजह से जो अलग अलग डायनास्टी जो है कम ओवर हुई, एंड आफ्टरवर्ड सबसे लास्ट में बाबर के द्वारा जो मुगल एम्पायर है ये डायनास्टी मुगल एम्पायर जो है एस्टैब्लिश हुआ, जिन्होंने लास्ट अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स तक जो है दिल्ली के ऊपर राज किया। So students, here we have to be complete our lesson. Thank you.